हम कहीं जा रहे हैं इस टाइम। हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं इफ्तार की में, और खाना भी है हमारा। तो मैं और शमाइला जा रहे हैं वहाँ पर। अभी हम लोग माशाल्लाह से उमरा से वापस आ चुके हैं। खाना का तो ले ही सकती हूँ, इतनी प्यारी सी है। और ये चल रही है पकौड़ियाँ, यहाँ पर बन रही है। ये कौन सी है? ये पनीर सुनो दो, क्या नाम है? सल्तनत। ओ कितना ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग शी वाज। इसकी मर्जी मोहब्बत का शरबत है ये, बहुत ज्यादा इसने शबाना ने बहुत ज्यादा मोहब्बत डाली। तो आपको मेरी परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बड़े हो मैं छोटा हूँ। हो रहा है बेचारी ने, इतना खाना पूरे दिन इसने मेहनत करी, इतना सब बनाया, ऐसा नहीं हो सकता ये बर्दाश्त। सब इतने गोरे कैसे हो रहे? तो भाई ये हमारे जो पड़ोसी हैं ना, उन्होंने हमारे यहाँ इफ्तार भिजवाया था, और हम लोग उमरा से वापस आ चुके थे। और जो हमारी रमज़ान उमरा सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं, जो मेरे पिछले ब्लॉग्स हैं उन पर आप जाइएगा और देखिएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पड़ोसियों ने हमारे यहाँ इफ्तार भिजवाया था, छोले दही बड़े और पकौड़ियाँ, फ्रूट चाट, समोसे वगैरह, सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा सब था। तो पड़ोसी का हक़, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब एक दूसरे को निभाते भी हैं। और ये देखिए ये पकौड़ियाँ, ये हमने घर में बनाई थी, क्योंकि हम लोग इतने दिन बाद लौटे थे ना घर पर, तो इसलिए जो है हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो ये पकौड़ियाँ बनाई, फ्रूट चाट बनाई हम लोगों ने, और ये चिकन वगैरह बनाया। और फिर हमने सोचा कि क्योंकि अब रमज़ान जो है जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले जो है इफ्तार बांट दें। तो हमें भी पड़ोस में इफ्तार बांटना था, और सबसे पहला हक़ जो होता है, जो हमारे घर में काम कर रहे होते हैं ना लोग, तो वो उनका होता है। तो इसलिए अकरमा जो है माशाल्लाह से इन चीज़ों को खुद से ही वो जो है कुदरती तौर के ऊपर समझते हैं, और वो हर एक का हक़ जो है अदा करने की कोशिश भी करते हैं। वो माशाल्लाह से हुकूकुल इबाद निभाने के अंदर बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, इकरा की उम्र में बरकत दे, और मेरे बच्चे शुमाइला, बरकात, सबको अल्लाह ताला खुश रखे। और ये जा रही हैं, हम लोग पड़ोस में बंटवा रहे हैं इफ्तार, और तभी हम लोग जा रहे थे आज कहीं, तो मैंने देखा तो मेरे एक कमरे से मुझे ये कबूतर और कबूतरी जो है अपने बच्चों के साथ नज़र आए। और वाकई में मैंने देखा कि वालदैन जो होते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई परिंदा हो, वालदैन औलाद के लिए खुदा की रहमत है। हम लोग इस खिड़की को इसलिए नहीं खोलते हैं कि ऐसा ना हो हम खिड़की खोलें और जो है एकदम से ये कबूतर या उसका बच्चा नीचे गिर जाए, क्योंकि हम लोग ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं। तो इस डर से हम लोग ये खिड़की नहीं खोलते कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और उड़ जाएंगे तब हम खिड़की को खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है कबूतरी अपने बच्चों को प्यार कर रही है, और दोनों माँ बाप जो है ना, ये लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम लोग ठीक है, और हमारी लिफ्ट आ चुकी है, तो हम लिफ्ट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम कहीं जा रहे हैं इस टाइम। हम कहाँ जा रहे हैं? जैसा कि मैं सलाम तो आप लोगों को पहले कर ही चुकी हूँ, तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर जो है हमें बहुत अच्छा लगने वाला है ना भाई। तो हम जा रहे हैं इफ्तार की में, और खाना भी है हमारा। तो मैं और शमाइला जा रहे हैं वहाँ पर। अभी हम लोग माशाल्लाह से उमरा से वापस आ चुके हैं इंडिया, अपने घर। देखते हैं कि कैसा है। तो आप शुरू से आखिर तक हमारे साथ साथ रहिएगा, है ना? ठीक है। वेलकम अकरमा। Today's weather is clouds and sun, 35 degrees Celsius in New Friends Colony. तो जैसा कि आप टाइम देख सकते हैं 5:54 हो चुका है हमारा, और जो है बस हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। बेल्ट तो लगानी ही पड़ेगी हमें। ये हम निकल रहे हैं हमारे घर से पास। ये लिखा है ना इसमें?
वापस। अरे वो कहाँ है तुम्हारी परेशान हो? छोटी वाली कैसे हो बेटा? मैं करवाऊँ कुछ? नहीं कुछ नहीं, बस हो गया है। अच्छा तो ये है नाम है शिफा? शिफाना। अच्छा अलग सा नाम है थोड़ा सा। ये यमन है ना, यमुना यमन। और ये पता नहीं कौन है, मैं नहीं पहचानती इनको। चल आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ही अच्छी शबाना। पता है मुझे लगा शबाना यहाँ पे लिखा है लिजर्ड। मैंने कहा लिजर्ड ओनली बियॉन्ड दिस पॉइंट। और क्या क्या तैयारियां चल रही है बताइए आप। फातिमा आप क्या कर रही हैं? फातिमा आपकी शक्ल का ले सकती हूँ या नहीं? बिकॉज मैं विदाउट परमिशन नहीं लेती हूँ किसी का। तो फातिमा ने मुझे परमिशन दी है कि मैं उनकी शक्ल का ले सकती हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ। और शबाना का तो ले ही सकती हूँ, इतनी प्यारी सी है। और ये चल रही हैं पकौड़ियाँ, यहाँ पर बन रही हैं। कौन सी है ये? पनीर की? पनीर पकौड़ी। और ये आलू की पकौड़ियाँ, ये रही। और ये उनकी शफाना की बेटी हो ना तुम, क्या नाम है? सल्तनत। ओ कितना प्यारा नाम है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से रखती है शबाना अपने घर को माशाल्लाह। आप बताए बताइए आप बताइए बताइए छोले हैं, दही बड़े हैं, अच्छी सी है ना, प्यारी सी सल्तनत जो है। इसका नाम किसने रखा है? ये सल्तनत जी, सल्तनत नाम किसने रखा है इसका? सल्तनत मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने रखा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया ओहो अभी आने के बाद तुमने मुबारकबाद मुबारकबाद हम तो छाई हुई है बस निदान निदान निदान। हम लोग अभी आए थे उम्र से बस। ठीक है सब खैरियत? सब खैरियत निकाली। ये सामिया मैं पहचान ही रही और हम लोग कब से पता नहीं कांटेक्ट में, मतलब उसने मुझे पहचान लिया सामने वाले को। फेमस थैंक यू ये साम्या सिरार सिरार हेलो जी। कुछ कहना चाहेंगी आप? कुछ कहना चाहेंगी आप इस बार के बारे में? आप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस थोड़ी सी मिर्ची कम रह गई आज। कैसे पूरी हो जाएगी? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग इसलिए सबका मुंह लाल करने के लिए जब नीचे थी दैट्स द हॉटेस्ट पर भी ना आया दी कैमरा इधर फायर ब्रांड या मैं
पकौड़े खाने। नहीं एक्चुअली मेरा लेट ही खुलता है इसलिए मैंने सोचा लेट ही चलती हूँ। अलविदा के साइड जाके कुछ कहना चाहती हूँ। I want to say something. Yes. जब अलबिना नीचे थी ना रोड पे तब मेरे कानों में गजल गूंज रही थी। हो जाए कुछ अशार अलबिना की आवाज़ उस गजल के अशार प्लीज कुछ। और ये निता को भी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। गजल मत गवा दीजिएगा। अलबिना गा सकती है अब रोजा अफ्तार कर चुके हैं ना। एक साल ये तो बहु है तो इसकी आप लोग रैगिंग कर सकते हैं मेरी तरफ से इजाजत। कर ले हमारी रैगिंग। बोलो अच्छी है अच्छी है। ये तो बहुत खौफनाक सवाल पूछे तुमने। मैं मौके के सामने अब मेरा ना और ये है शिफाना। ये आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, मुझे बड़ा डॉक्टर शिफाना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर सबसे मिलकर जी। और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा माशाल्लाह हम भी बहुत खुश हैं। थैंक यू। और आपके पीछे जो हमने जासूस छोड़े हैं वो आप तक पहुँच गए हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन शिफाना चालू है। अब हम लोग खाना खाएंगे। अभी हमने इफ्तार कर लिया है, नमाज भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम खाएंगे खाना और फिर आपको हम बताएंगे कि खाना कैसा लगा। हम सब उससे पहले चाय नहीं पियेंगे। उससे पहले चाय की ट्रिप लगनी बाकी है हमारी। मैंने तो आप बताइए अपने किस बारे में पूछना चाहती हैं बताइए। पहले तो यहाँ पर आए आपको कैसा लगा फिर आपको मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे सब लोगों से बहुत मिली मैं फौजिया से मुझे बहुत अच्छा लगा। फौजिया तो है ही बहुत अच्छी। शुक्रिया। और आपकी जरा नमाजी मेरा हौसला बढ़ा। पार्टी अक्सर होनी चाहिए जो कि इस बार शायद बहुत कम हुई है। रमजान में होनी चाहिए और हम लोगों को ऐसे ही मिलते रहना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अच्छी ग्रैंड पार्टी करेंगे। ये मोहब्बत का शरबत है। ये बहुत ज्यादा इसने शबाना ने बहुत ज्यादा मोहब्बत डाली है इसमें। पी के दिखाए कैसे ये ऐसे। अच्छा अच्छा ओके। इसमें सैयद साहब 100 साल पुरानी मोहब्बत है शरबत में। हमदर्द की तो आपको मेरी परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बड़े हो मैं छोटा हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो माशाल्लाह से हम लोगों ने इफ्तार कर लिया था और नमाज़ वगैरह सब पढ़ ली थी और अब हम आए थे खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में। तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया था शबाना ने अपने हाथों से बनाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाथों से बनाया था जो एक होता है ना कि सुघड़पना जिसे कहते हैं वो चीज़ जो है शबाना के घर को देख के शबाना के पूरे खाने को देख के माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो है नज़र आ रही थी। सब तो हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बिरयानी तो मुझे इतनी पसंद आई। हैदराबादी बिरयानी बनाई थी। चिकन था, बकरे का गोश्त था, बहुत अच्छा सब कुछ लगा माशाल्लाह से। हम लोग पिछले साल भी गए थे इफ्तार में। सारा खाना शबाना ने बनाया है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा खुद अपने हाथों से बनाया है शबाना ने। ये भुना गोश्त है बकरे का है ना शबाना। और ये चिकन कौन सा है? ये चिकन और ये बिरयानी बिरयानी भी आपने बनाई है? ये बताइए मुर्गा या मुर्गी? बिरयानी भी आपने बनाई है? ये बकरे का ना तो ये मुर्गा या मुर्गी। ये सब शबाना ने खुद माशाल्लाह अपने हाथों से बनाया और इसमें बहुत सारा अपना प्यार भी डाला है। सलाद भी बहुत अच्छा। की बात किससे हो रही है? खाना खाने दे, खाओ जल्दी खाओ। हाँ सामिया कैसा लग रहा है आपको खाना? अच्छा ठीक है। सामिया तो नहीं और बहुत अच्छा। अभी तासुरात फिर अपने भी देंगे हम खाने के बाद। अब वीडियो है
वीडियो ही कितने घंटे हम खाते हैं सर ने एक मिनट वीडियो है छुपा लिया तो वाला हाल हो रहा है कि जो ये हुआ था कि एक बार काफी भीड़ हो रही थी, लंबी लाइन लग रही थी, तो एक साहब जो थे वो बार बार आगे जाते थे, लोग उन्हें पीछे कर देते थे। उन्होंने कहा बहुत देर तक यही सब चलता रहा, उन्होंने कहा ठीक है कर लो, मार लो मार लो, मैं दुकान ही नहीं खोलूंगा। उन्हें राशन की दुकान और खाना जायकेदार खाना खाने के बाद फिर सब लोग जो है खूब अपने हंसी मजाक कर रहे थे, फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह से रोजा अच्छे तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं, लोगों को देखिए ये ऑलमोस्ट 100K। और अब मैं ये देना चाहूंगी शबाना को बेस्ट होस्ट। शहरी में आई आज शहरी तो स्टार की बात से ही होती है, उसमें क्या टाइम है। बहुत ही प्यारी हो तुम, सल्तनत तो बहुत प्यारी है, पेट बड़ा हो गया है जिसमें दौलत होती है। नॉट डिस्कस दिस इन वीडियो, वी आर डिस्कसिंग समबडी एल्स। या समबडी यस, पेट बड़ा होता है, पेट बड़ा जो है वो दौलत की निशानी है, गुलरुख कह रही है, मैं नहीं कह रही, ओपिनियन दे रहा है। सो आई वांट टू फोकस ऑन हर, नहीं है नहीं है नहीं, हमारा पेट नहीं है, हम दौलत नहीं, किसी किसी बात है इधर है सारी दौलत, खाते पीते घर के होते हैं हम, खाते खाते घर, खाते खाते पीते कुछ नहीं, सिर्फ खाते हैं, सारी दौलत इधर है। एग्जैक्टली, हमारे पास नहीं है। और ये सबसे ब्यूटीफुल पार्टी की जान मेहरबान खदरदान, अब आई है सिराज सबकी जान, जवान दिलों की धड़कन। अच्छा जा रहे हैं गोलो, मेरी नंद बहुत अच्छी है, मेरी नंद भी अच्छी है, जगह नहीं होता है ऐसा, चले होके अल्लाह छोटे छोटे, चलो बेटा ओके आना घर पे है ना, एंडिंग व्लॉग है, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह कुछ और कहना चाहोगी? नहीं, अब नेक्स्ट राउंड में, चलो ओके अल्लाह हाफिज़, तो मिलेंगे ना सब लोग, लेकिन अभी से हम लोग एक दिन के लिए चले जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आपने दुआ नहीं आज और हर शब्द में, बताओ क्या कुछ नहीं होगा।